बच्चों आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 13 लाए हैं और जिसमें हम आपको गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन या बल्कि ये कहें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ बताएंगे। इसीलिए केमिकल इक्विलिब्रियम की सीरीज निकाल दी मैंने ताकि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ा सा समझ में आ जाए। अगर आपने नहीं देखा है तो केमिकल इक्विलिब्रियम 01 और 02 देखकर इस वीडियो पे आना, थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, थोड़ी चीजें क्लियर हो चुकी रहेंगी। इस पूरे लेक्चर में मैं आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के तरीके बताऊंगा, ठीक है, किसी रिएक्शन से कैसे निकालें, बिना रिएक्शन के, ठीक है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से कैसे निकालें, और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का क्या रिलेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, ये बताएंगे, और ये क्वेश्चन तक पहुंचेंगे जेई 2015 में जो इसी कंसेप्ट पे सवाल आया था उसको हम कैसे हिलाएंगे। तो थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर है, थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठना और नोट कर लेना। लेक्चर में बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, 2-3 कंसेप्ट हैं, पर क्वेश्चन क्योंकि आ जा रहे हैं 4-5 साल में, बीच में कभी सवाल पूछ लेता है तो इसको पढ़ना जरूरी है। तो भाई साहब बैठ जाएं सीरियसली, कॉपी पेन उठा लें, नोट्स बनाएं, क्वेश्चन जब भी आए तो उनको पॉज करें और खुद से सॉल्व करें। तो मेरा नाम है अलख पांडे और हमारा आपका प्यारा चैनल फिजिक्स वाला, और देखते हैं भाई कि गिब्स फ्री एनर्जी का क्या रिश्ता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। उससे पहले समझते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या है और उसको कैसे निकालते हैं। तो यार गिब्स फ्री एनर्जी मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप करें गिब्स फ्री एनर्जी फिजिक्स वाला, आपको पूरा वीडियो दिखेगा। गिब्स फ्री एनर्जी डिफाइन थी जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। जी है गिब्स फ्री एनर्जी, एच है एंथैल्पी, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एस है एंट्रोपी। आपको पता है हमें इस जी से कोई खास मतलब नहीं, हमें मतलब होता है डेल्टा जी से। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज, और डेल्टा एच हमारा हो जाएगा एंथैल्पी चेंज, ठीक है ना, और डेल्टा एस हो जाएगा एंट्रोपी चेंज। सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियोस में, एंट्रोपी क्या है, एंथैल्पी क्या है, पूरी सीरीज आराम से देखें। और टी अपना होता है टेम्परेचर इन, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि डेल्टा जी डिसाइड करता है कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। डेल्टा जी सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो डिसाइड कर देगा कि कोई भी गिवन केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब खुद से होगा कि खुद से नहीं होगा। तो हमने तीन कंडीशन लिखी थी कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब खुद से नहीं होना चाहेगा, और डेल्टा जी अगर जीरो है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, अगर जीरो है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा। इतनी बातें हमने आपसे की थी। डेल्टा जी निकालने का तरीका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, किसी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज, उस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज निकाल लो तो आपको मिल जाएगा उस रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव आता है तो वो रिएक्शन अपने आप हो जाएगा यानी स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आता है तो अपने आप नहीं होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, और जीरो आता है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, अभी ना ही आगे जा रहा ना ही पीछे आ रहा। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, रिएक्शन आगे जा रहा। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, कि आगे तो नहीं जा रहा पर पीछे की तरफ आ रहा, बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा। ये नेगेटिव का मतलब है कि हाँ ये फॉरवर्ड रिएक्शन मस्त चल रहा है, स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि फॉरवर्ड तो नहीं हो रहा पर इसी रिएक्शन को उल्टा कर दें, रिएक्टेंट्स को उधर लिख दें, प्रोडक्ट्स को इधर लिख दें तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा तो ये भी स्पॉन्टेनियस। तो कोई रिएक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसका रिवर्स प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी जीरो मतलब कि भैया जितना फॉरवर्ड हो रहा उतना बैकवर्ड हो रहा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो यहां तक हमने आपसे बातें कर रखी थी।
आज हमें इस पे बात नहीं करनी, आज हमें आपसे बात करनी है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पे, ठीक है। उसी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन होता है, तो बात करते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, अगर आपको समझना है कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है क्या नहीं होता, तो पिछला वीडियो देखें, पूरा गिब्स फ्री एनर्जी पे 50 मिनट का वीडियो है। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बच्चों वो होता है जब आप डेल्टा जी को मेजर करो, जब आप डेल्टा जी को मेजर करो एट टेम्परेचर हो 298 केल्विन और प्रेशर हो 1 atm, उस टाइम जो डेल्टा जी है उसको हम बोल देते हैं डेल्टा जी नॉट। क्या बोल देते हैं? डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। भाई मान लो हमने बोला किसी रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आ रहा है 100, तुमने बैठ के वही एक्सपेरिमेंट यूएस में किया, वहां टेम्परेचर अलग प्रेशर अलग, तुमने बोला भैया इसका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आ रहा है -50, तुम्हारे हिसाब से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, मेरे हिसाब से नॉन स्पॉन्टेनियस, मेरा पॉजिटिव 100 आ रहा तुम्हारा नेगेटिव 50 आ रहा, तो हम लोग कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएंगे, तुम बोलोगे ये प्रोसेस अपने आप होता है, हम बोलेंगे नहीं होता। तो इन्होंने क्या कहा कि स्टैंडर्डाइज कर दिया कि डेल्टा जी नॉट के बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। आप भी अपना डेल्टा जी नॉट यूएसए में निकालो, आप चाइना में डेल्टा जी नॉट निकालो, हम इंडिया में निकालेंगे, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हर जगह क्या होगी? सेम। मेरा डेल्टा जी नॉट -50 तो तुम्हारा भी -50, तुम्हारा क्योंकि कंडीशन दे दी है कहां पे मेजर करना है 298 केल्विन 1 atm पे। क्लियर है? सो बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका, बहुत इंपॉर्टेंस है डेल्टा जी का, इंपॉर्टेंस है कि डेल्टा जी नॉट का, डेल्टा जी नॉट का स्टैंडर्ड। किसी रिएक्शन का हम पूछें भाई इस रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या है, आप बोलोगे सर कब, टेम्परेचर दो प्रेशर दो तो बताएं, वरना हम बताएंगे +2 आप बोलोगे -4, मेरे हिसाब से नॉन स्पॉन्टेनियस, आपके हिसाब से स्पॉन्टेनियस, फंस जाएगा मैटर। तो इसलिए स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी सब लोग निकालते हैं और सबकी वैल्यू सेम आती है। कैसे निकलेगा डेल्टा जी नॉट? बड़ा आसान है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। चलो सारी चीजें स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लो, इंथैल्पी भी तब मेजर करो जब टेम्परेचर 298 हो प्रेशर 1 atm हो, इंट्रोपी भी तब मेजर करो जब टेम्परेचर 298 हो प्रेशर 1 atm हो, जो चेंज इन एंट्रोपी निकाल रहे हो वो भी 298 केल्विन पे निकालो, चेंज इन एंथैल्पी निकाल रहे हो वो भी 298 केल्विन पे निकालो, प्रॉब्लम खत्म। तो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्शन। नोट करें, इंपॉर्टेंट टर्म है, नोट दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक और तरीका है बच्चों स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालने का, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालने का। क्या तरीका है? मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन लिखा है ए प्लस टू बी है ना गिब्स टू सी प्लस थ्री डी, ऐसा कुछ लिखा है। मैं बोलूं इस रिएक्शन का मुझे डेल्टा जी नॉट चाहिए, इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट चाहिए, तो आप क्या करो इसके सारे प्रोडक्ट का, इसके सारे प्रोडक्ट्स का डेल्टा जी नॉट निकाल लो माइनस डेल्टा जी नॉट इसके सारे रिएक्टेंट्स का कर दो, खेल आसान हो जाएगा। किसी रिएक्शन का अगर डेल्टा जी नॉट चाहिए तो सारे प्रोडक्ट्स का डेल्टा जी नॉट निकालो माइनस सारे रिएक्टेंट का डेल्टा जी नॉट। अब डेल्टा जी नॉट निकाले कैसे? तो जैसे हमने इंथैल्पी में किया था, हमने डेल्टा एच नॉट रख के नहीं, हमने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रख के खेल खेला था। मतलब यहां पर हम लिखेंगे डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या यह बात याद आ रही? हमें जब किसी रिएक्शन का डेल्टा एच भी निकालना होता तो हम क्या करते थे, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो वही चीज हम यहां पे लगा रहे हैं, किसी रिएक्शन का आपको डेल्टा जी नॉट चाहिए, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज चाहिए, तो आप क्या करो उसके प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन निकालो माइनस उसके रिएक्टेंट का स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन माइनस कर दो। जैसे डेल्टा एच निकालते थे, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कुछ आया? कुछ नहीं आया, नोट करो। चलो अच्छा, टेंशन मत लो, नोट कर लो, आ जाएगा। अभी सवाल करा देंगे तो क्लियर हो जाएगा, पहले नोट कर लें।
सीधी सपाट जिंदगी बवाल हो गई, तेरी एक नजर से जिंदगी कमाल हो गई। अरे तेरी एक नजर से, नोट कर लिया, जिंदगी कमाल हो गई। टेंशन नहीं लेने का, लोड नहीं है लाइफ में, टेंशन नहीं है। देखो अभी इजी कर देते हैं, एक दो सवाल कराएंगे, तुम हंसते हंसते बोलोगे सर आ गया, हम बोलेंगे जाओ, तुम बोलोगे दूसरा वीडियो दे दो। देखो मान लो हमें एक रिएक्शन देता है आई टू सॉलिड प्लस एच टू एस गैस रिएक्ट टू गिव्स टू मोल्स ऑफ एच आई गैस प्लस सल्फर सॉलिड। हमसे बोलता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच आई इज इक्वल्स टू ऑफ एच आई इज इक्वल्स टू 1.8 किलो जूल पर मोल एंड स्टैंडर्ड गिब्स, स्टैंडर्ड मतलब डॉट ये लगा दिया नॉट, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2S गैस, ये HIV गैस इज -30 किलो जूल पर मोल, 30 किलो जूल पर मोल। फाइंड डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन हमसे पूछा। देखो प्रोडक्ट का डेल्टा जी नॉट दिया है, रिएक्टेंट का डेल्टा जी नॉट दिया है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट का माइनस कर दो। कौन सा डेल्टा जी नॉट? ऑफ फॉर्मेशन, वो देगा भी फॉर्मेशन, टेंशन मत लो। प्रॉब्लम क्या है, आई टू का नहीं दिया, सल्फर का नहीं दिया, तो आओ देखो नोट लगाएं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है अभी समझ में आ रहा है डेल्टा जी नॉट कैसे निकालोगे रिएक्शन का? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में एच आई का दिया है, रिएक्टेंट में एच टू एस का दिया है, उधर सल्फर का, इधर आई टू का नहीं दिया, तो नोट लगाएं डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट को तुम ऐसे समझ लो कॉमनली ऑब्जर्व्ड स्टेट, जिसमें वो ज्यादातर मिलते हैं, जिसमें वो अवेलेबल होते हैं, इज जीरो। क्या ये हमने एंथैल्पी के लिए भी लिखा था? क्या आप थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर ध्यान से देख रहे हैं? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन, जैसे डेल्टा एच और नॉट फॉर्मेशन भी हमने देखा था, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन भी एलिमेंट्स जो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में थे उनका कितना था? जीरो। जैसे एग्जाम्पल के लिए डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, अब ऑक्सीजन जनरली कैसे मिलता है? ओ2 के फॉर्म में, सो एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो। जैसे हम नाइट्रोजन गैस N2, नाइट्रोजन कैसे मिलता है? N2 के फॉर्म में, उसका डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन जीरो। जैसे हम बोले H2 गैस कितना हो जाएगा? जीरो। क्लियर हो रहा है? जैसे हम आपसे बोले, देखो ध्यान से, अब देखते जाना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बता देंगे इसके अंदर। जैसे हम आपसे बोले Cl2 गैस का डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन कितना होगा? जीरो, क्योंकि क्लोरीन गैसेस स्टेट में मिलता है। जैसे हम आपसे बोले Br2 गैस का डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन कितना? जीरो। गलत, गलत। ब्रोमीन कॉमनली गैसेस स्टेट में नहीं मिलता, किसमें मिलता है जनरली? लिक्विड स्टेट में। तो ब्रोमीन का लिक्विड स्टेट जब लोगे तब जीरो होगा। एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, कॉमनली ऑब्जर्व स्टेट, कॉमनली अवेलेबल स्टेट, जिसमें मिलते हैं वो, ब्रोमीन लिक्विड में मिलता है। तो डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन गिव्स, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन इन लिक्विड स्टेट, इन लिक्विड स्टेट विल बी जीरो, गैसियस जीरो नहीं होगा। जैसे हम आपसे बोले आयोडीन गैसियस इज नॉट इक्वल टू जीरो, आयोडीन गैसियस स्टेट में नहीं मिलता, किसमें मिलता है? सॉलिड स्टेट में मिलता है। तो आयोडीन का जब सॉलिड स्टेट लोगे तब कॉमन होगा, तब जीरो होगा। क्लियर हो रही है बात? समझ में आई है? तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ सब्सटेंस इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो। अब देखो ध्यान से, इधर I2 है सॉलिड स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट है जीरो हो गया, सल्फर है सॉलिड स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट में जीरो, इसलिए उनका दिया नहीं।
नोट कर लें, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। इस रिएक्शन का हमसे डेल्टा जी पूछा है, डेल्टा जी नॉट पूछा है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड स्टेट में। नोट कर लिया, लिख लिया बच्चों, रब कर दें, ओके। प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, चलो भाई करते आओ। तो इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। चलो भाई, तो प्रोडक्ट्स में कौन है, एच आई है, एच आई के कितने मोल है, दो, तो ये क्वांटिटी दो से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1.8। भाई ये एक मोल एच आई के लिए दिए कहानी, हमसे दो मोल पूछ रहा है, इसका हो गया जीरो स्टैंडर्ड स्टेट में है, माइनस रिएक्टेंट्स में कौन है, एच टू एस, ये तो जीरो हो गया, एच टू एस का एक ही मोल है 30, तो माइनस 30। सो क्या आंसर होगा, सो जो भी आंसर होगा निकाल लोगे, कुछ नेगेटिव में आ रहा है आंसर, माइनस 30 और ये माइनस 3.6, जो भी है, मतलब मैं तरीका बता रहा था, निकाल लेंगे आंसर। अच्छा मैं आपसे पूछ लूं, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, बोल राधा बोल, स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं, होगा, क्योंकि डेल्टा जी नॉट कैसा आ रहा, नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो तो इक्विलिब्रियम। क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का निकालना है, तो प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स में उनका दिया होगा जिनका जीरो नहीं होता, जिनका नहीं दिया होगा समझ जाना जीरो है इसलिए नहीं दिया, इसका क्यों नहीं दिया, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है जीरो। प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट इंपॉर्टेंट हैं, उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा जी नॉट कौन सा लेंगे, फॉर्मेशन वाला। क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर, ओके। चलिए इसका एक और रिएक्शन आपको दिखा दें, एक और क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमसे बोला कंबशन ऑफ मिथेन, सी एच फोर प्लस टू ओ टू गिव्स सी ओ टू प्लस टू एच टू ओ, ठीक है। इस रिएक्शन का हमसे डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है, और पूछ रहा है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, इस रिएक्शन का हमसे डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है ऑफ द रिएक्शन, पर इस बार डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन नहीं दिया। एक तरीका तो क्या होता, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का और मिथेन का दे देते, ऑक्सीजन का तो जीरो होता, फिर हम आपसे डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन पूछते, आप प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट लगा के कर देते। यहां इन्होंने कहानी थोड़ी चेंज की, इन्होंने दिया डेल्टा एच नॉट, इन्होंने सबका क्या दे दिया, डेल्टा एच नॉट दे दिया, और डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या दी है, दे हैव गिवन डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन कितना कितना दिया है, माइनस 75, इसका कुछ नहीं, ऑक्सीजन का डेल्टा एच नॉट एफ भी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट एफ भी जीरो होता है स्टैंडर्ड स्टेट में, यही मैं बता रहा था कि इंथैल्पी में भी ये चीज पढ़ाई थी। इसका करीब करीब माइनस 400 अप्रॉक्स वैल्यू, इसका करीब करीब माइनस 300, और डेल्टा नॉट एस भी दिया है 180, इसका 200, इसका 220 और इसका 70। अब आपसे पूछा है डेल्टा जी नॉट निकालिए, डेल्टा जी नॉट निकालिए ऑफ रिएक्शन। तो एक काम करो, आप एक काम करो, आप पहले ये निकाल लो डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेम कहानी है जो डेल्टा जी नॉट एफ पे लग रही थी वही डेल्टा जी नॉट एफ पे। ऐसे ही निकालते हैं रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज या रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। वैल्यूज देखो दी हुई हैं, प्रोडक्ट्स की कितनी हो जाएगी, 2 × −300, ये एक टाइम है, 1 × −400, माइनस रिएक्टेंट क्या है, −75 कितनी बार है, एक बार, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। यहां से डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन मिल गया आपको, अब आप डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्शन निकाल लो, क्या करोगे, डेल्टा एस नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स, इसको नॉट को यहां लिखो इससे कोई फर्क नहीं,
तो कितना है भाई साहब प्रोडक्ट्स में, 70 प्लस 220 माइनस 180 प्लस 200, ठीक है, सब किलो जूल पर मोल में दी है सारी कहानी, ये वाली सारी कहानी किलो जूल पर मोल में, और ये सारी कहानी किलो जूल पर मोल केल्विन में दी है, किलो जूल पर मोल केल्विन में दी है, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल केल्विन, इसको ऐसे ले लो जूल पर मोल केल्विन में। डेल्टा एस नॉट सबका किस में दिया है, डेल्टा एस नॉट दे रखा है जूल पर मोल केल्विन में, और ये दे रखा है किलो जूल पर मोल में, ठीक है। अब आपसे डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन पूछा है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अब आप कर सकते हो, अब आपको छोटी सी चीज लिखनी है यहां पे, डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्शन, खत्म। नहीं आया, आपने डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया, आपने डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया, निकाल लिया कि नहीं, यहां रख दो खत्म। प्रॉब्लम क्या है, टेम्परेचर क्या रखेंगे, तो बच्चों ये डिफाइंड ही किस टेम्परेचर पे है, ये डिफाइंड ही है सिर्फ और सिर्फ 298 केल्विन पे। ये सारी कहानी जब नॉट नॉट लगा हुआ है ना, यानी इंट्रोपी भी कम मेजर हुई है 298 पे, इंथैल्पी भी कम मेजर हुई है 298 पे, और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी कब पूछ रहा है 298 पे। तो कभी कभी ऐसे भी कर सकता है कि आपको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स का और रिएक्टेंट का ना दे, आपको ये वैल्यूज ना दे डेल्टा जी नॉट एफ, आपको क्या दे दे इसकी जगह डेल्टा एच नॉट की वैल्यू दे दे, डेल्टा एस नॉट की वैल्यू दे दे, इससे आप डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन रिएक्ट निकालो, डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्शन निकालो, समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्शन, ये डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन मिल गया, डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्शन, यहां पे टेम्परेचर क्या रखोगे 298, कर लेंगे इसको अपने आप। ये किसमें दिया है जूल पर मोल केल्विन, ये किसमें दिया है किलो जूल, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना भाई, इसका जो भी आंसर होगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, जूल्स में आ जाएगा, बराबर हो जाएंगे दोनों, ठीक हो जाएगा। चलिए ट्राई करके निकालिएगा इसका आंसर, मैं तरीका बता रहा हूं, क्लियर है, मिटा दें, पक्का बोलो कोई डाउट है, सॉल्व कर पाएंगे, यहां पे इसकी वैल्यूज जो भी आएगी रखेंगे, उसको जूल्स में कन्वर्ट कर लीजिए, माइनस टी की जगह 298, डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्शन जो है उसको यहां पे रखिए, फिर देखिए डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा, नेगेटिव आ रहा तो स्पॉन्टेनियस नेगेटिव ही आएगा, कंबशन रिएक्शन मिथेन का स्पॉन्टेनियस होता है, हाईली स्पॉन्टेनियस, तो आएगा नेगेटिव ही, ठीक है ट्राई करिएगा, कुछ 800 समथिंग आना चाहिए, मिटा दें, ओके। तो ये मैंने बेसिक बातें बताई कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैसे कैसे निकालते हैं, मैंने दो तरीके आपको बताए, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैसे कैसे निकालते हैं, मैंने आपको दो वेज बताए, दो वेज को एक बार जल्दी से रिवाइज करो क्योंकि आगे यूज होगा, डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्शन, एक तरीका तो ये सीखा आपने, कहां से आया, सिंपल एक्सप्रेशन से आया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यहीं से उसको बना दिया हमने कि रिएक्शन का भैया डेल्टा जी नॉट चाहिए तो डेल्टा एच नॉट निकाल लो डेल्टा एस नॉट। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा हमने देखा डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, देखा कि नहीं हमने, तो दो तरह से हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज रिएक्शन का निकाल सकते हैं, दो तरीके से, नोट कर लें इसको फिर आगे बढ़े हम, नोट कर लें इसको। चलिए अच्छा देखिए इधर, अब बात करते हैं रिलेशन विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसीलिए मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करा दिया, आपको थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आइडिया हो गया है, अब तो आप ये चीज समझ सकते हो। मान लो कोई रिएक्शन हो रहा ए प्लस टू बी गिव्स थ्री सी प्लस डी, समझ लो इस रिएक्शन का के नहीं, आज एक नई चीज हम लिखेंगे क्यू,
क्यू को हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट. क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोशेंट. रिएक्शन कोशेंट होता है सी की कंसेंट्रेशन टू द पावर 3, डी की कंसेंट्रेशन की पावर 1, ए की कंसेंट्रेशन की पावर 1, बी की कंसेंट्रेशन की पावर 2. असल में ये एक्टिव मास है जो यहां पे रखे हैं, इनको कंसेंट्रेशन भी बोल सकते हैं और पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हैं. ठीक है, दोनों तरह से ले सकते हैं. अभी के लिए मैं कंसेंट्रेशन बोल रहा हूं. अचल में इसको जो वर्ड यूज किया था वो था एक्टिव मास का वर्ड. खैर, क्या डिफरेंस है क्यू में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको आना चाहिए. केमिकल इक्विलिब्रियम का पहला वीडियो, दूसरा वीडियो कम से कम देख लो, थोड़ा बहुत ये आइडिया हो जाए कि क्या चल रहा है. क्यू और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है? बच्चों, क्यू कैन बी डिफाइंड एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन. इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है कि इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है, उससे क्यू को फर्क नहीं पड़ता. क्यू कभी भी निकाल सकते हैं, किसी भी रिएक्शन चल रहा है. बीच में हमने बोला बताओ रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, आपने कहा अच्छा, आपने कहा इसका कंसेंट्रेशन कितना है, यहां रखा, इसका कंसेंट्रेशन यहां रखा, इसकी ये पावर, इसकी ये पावर, इसका कंसेंट्रेशन यहां, इसका कंसेंट्रेशन यहां, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, जो जो यहां पे लिखा है वो पावर में लगा दिया, कंसेंट्रेशन को रख के क्यू की वैल्यू बता दी, जो भी आई. कैन बी डिफाइंड एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन, कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी. अगर हम क्यू को ही, अगर हम क्यू को ही, इफ वी मेजर क्यू एट इक्विलिब्रियम, हम इक्विलिब्रियम की जब स्टेट आ जाए, ऐसी स्टेज आ जाए जब जितना रिएक्शन आगे हो रहा उतना रिएक्शन पीछे हो रहा, इक्विलिब्रियम आ गया, जितना सी बन रहा उतना ही सी वापस जा रहा, मतलब सी की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, जितना बी इधर बन रहा या इधर टूट रहा उतना ही बी वापस बन रहा, मतलब बी की कंसेंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाए. ए बी सी डी सबकी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट, जितना वो आगे जा रहा उतना वो पीछे. उस टाइम पे अगर हम क्यू को मेजर करें तो उस टाइम हम क्यू को ही बोल देते हैं के इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? देखो बड़ा डिफरेंस है. के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला है सी की पावर 3, डी की पावर 1, ए की पावर 1, बी की पावर 2. और कई लोग कहेंगे सर ये दोनों फॉर्मूले तो सेम है, ये दोनों फॉर्मूले तो सेम है, पर ये सेम नहीं है. ये कंसेंट्रेशंस कोई भी हो सकती हैं. रिएक्शन शुरू हुआ, 2 सेकंड बाद की कंसेंट्रेशन रख दी, रिएक्शन बहुत बहुत देर हो गई रिएक्शन करते हुए, फिर कंसेंट्रेशन रख के क्यू निकाल लिया. क्यू किसी भी समय निकाला जा सकता है, पर के तभी निकालते हैं जब क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम. मतलब ये कंसेंट्रेशंस जो यहां रखी हैं ये कौन सी कंसेंट्रेशन होगी? इक्विलिब्रियम की कंसेंट्रेशन होगी. यहां पे सिर्फ वो ही कंसेंट्रेशन रखिएगा जो इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट दिख रही थी. आपने देखा, आपने कहा सी की कंसेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, यही इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन है, कांस्टेंट जब हो गई. कहने का मतलब क्यू को जब निकालो, जब इक्विलिब्रियम आ जाए, सबकी कंसेंट्रेशन रुक जाए, उस टाइम जो क्यू है उसी क्यू को इक्विलिब्रियम बोलते हैं. कहानी क्लियर हो गई? पक्का बोलो, कहानी क्लियर हो रही? हाँ ना बोल भाई, अरे हाँ ना बोल भाई, क्लियर हुआ? ठीक है. क्यू कैन बी डिफाइंड एट एनी टाइम, एनी टाइम, बट के इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम. क्यू का ही दूसरा नाम के इक्विलिब्रियम है. क्यू हमेशा बोल सकते हैं, के इक्विलिब्रियम उसको तब बोलेंगे जब इक्विलिब्रियम की कंसेंट्रेशन रखी हो. क्लियर है? मिटा दें, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लें. हो गया भाई, कर लिया. चलो अब गिब्स फ्री एनर्जी इससे कैसे रिलेटेड है? गिब्स फ्री एनर्जी इससे कैसे रिलेटेड है? आइए देखें. डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग बेस ई क्यू. नोट करें, दिस इज द रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड रिएक्शन कोशेंट. एंड रिएक्शन कोशेंट डेल्टा जी
is equals to delta G naught plus RT log base E into Q. अगर मैं बोलूं कि हम इक्विलिब्रियम पे आ चुके हैं, एट इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम पे आ गए बच्चों, तो Q किसके बराबर हो जाएगा? K इक्विलिब्रियम के. और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G की वैल्यू कितनी होती है? जीरो. डेल्टा G नॉट की नहीं, डेल्टा G की. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो. डेल्टा G नॉट की नहीं, मत बोलना, सब गलत हो जाएगा. डेल्टा G इज जीरो इक्विलिब्रियम पे. नाउ जीरो इज इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस आर टी लॉग बेस ई के इक्विलिब्रियम. लिख सकते हैं ऐसा, यहां से डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉग बेस ई के इक्विलिब्रियम. ये रिलेशन हो गया स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का. हमारी जनरली आदत होती है कि लॉग हम बेस 10 चाहते हैं. बेस 10 चाहते हो तो पूरे एक्सप्रेशन को 2.303 से मल्टीप्लाई. सो फाइनली वी कैन राइट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस ई के इक्विलिब्रियम. लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम. अगर लॉग बेस ई से लॉग बेस 10 में जाना है तो इस एक्सप्रेशन को 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो. Now this is the relation between standard Gibbs free energy change and equilibrium constant of a reaction. इस पे सवाल भी आते हैं. बस अब ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, एक दो तीन, इसको तो हटा दो, इसकी जरूरत ही क्या है, एक दो तीन बस. क्लियर है, नोट कर लें इसको. वैसे तो एक्चुअल में तो ये कहानी है, डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग बेस ई क्यू. फिर मैंने बोला इक्विलिब्रियम पे Q किसके इक्वल हो जाएगा? K इक्विलिब्रियम के. डेल्टा G कितना होता है इक्विलिब्रियम पे? जीरो होता है भाई, है ना? ठीक है, तो अब इन फॉर्मूलेस को ध्यान से देख लीजिए भाई साहब. अब सवाल इसी पे आने हैं, डेल्टा G निकालने के तरीके हैं और मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेशन भी बता दिया है. चलिए, तो इसके दो प्रोमिनेंट सवाल जो हमको जेई में अभी तक दिखे हैं वो हम करा देते हैं आपको. सो रिलेशन विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे पहला सवाल जेई 2007 में आया था और जेई 2007 का सवाल मैं लेके आया हूं क्योंकि काफी वैल्यूज हैं इनमें तो लेके चलना पड़ रहा है सवाल. एक रिएक्शन है ए इज इन इक्विलिब्रियम विथ बी. हमको बोल रहा है इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नॉट फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन एज -54.07 किलो जूल पर मोल. डेल्टा एस नॉट फॉर दिस रिएक्शन इज ऑल्सो गिवन, इट इज 10 जूल पर केल्विन मोल. और बता भी रखा है कि इसको 298 केल्विन पे मेजर किया है जो कि बताने की जरूरत नहीं थी. हमें पता है कि नॉट नॉट दिया है तो 298 पे ही होगा. आर की वैल्यू दे रखी है 8.314 जूल पर मोल केल्विन. अच्छा, और हमको एक इंफॉर्मेशन दी है 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इज इक्वल्स टू 5705. पता नहीं ये इंफॉर्मेशन क्यों दी है पर दे रखा है कि भैया मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा. तो डेल्टा एच नॉट पता है रिएक्शन का, डेल्टा एस नॉट पता है, वो किलो जूल में है, ये जूल में है, आर की वैल्यू है और ये दिया है. हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम. इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लॉग बेस 10 का वैल्यू. ऑप्शन हमको दिया है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा है 95 और चौथा ऑप्शन है 100. तो पॉज करके आप इसको खुद से एक बार ट्राई कर लें, गिव योर सेल्फ टाइम, आराम से कैलकुलेशन करिए. कर लिया भाई, पॉज करके ट्राई कर लें. क्वेश्चंस को खुद से करोगे तभी मजा आएगा. ट्राई कर लिया, मैं करने जा रहा हूं 1 2 3 4 5 मैं करने जा रहा हूं. ओके, सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -2.303 आर टी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम. हम इसको यूज करेंगे.
बात यह है डेल्टा जी नॉट कैसे निकलेगा उस वाले फॉर्मूले से, डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच नॉट पता है, डेल्टा एस नॉट और टेम्परेचर भी पता है, तो डेल्टा जी नॉट निकाल लेते हैं। डेल्टा एच नॉट कितना है, -54.07 यह है किलो जूल में पर मोल, माइनस टी है 298 और डेल्टा एस नॉट कितना है मेरे पास, ये रहा 10 जूल, ये जूल पे है, ये किलो जूल में है, क्या किया जाए भाई इसको जूल में कन्वर्ट कर लें, 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा -54070 -2980। अब सब किस में हो गया, जूल्स में, सही है। इसकी वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे, इसकी वैल्यू रखी यहाँ पे डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए, ये जूल में था तो मैंने इसको भी जूल में कन्वर्ट किया 1000 से मल्टीप्लाई करके, सो इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 0001 4527 5 57050 = -2.303 * 8.314 * 298 * log 10 के इक्विलिब्रियम। देखो इस टर्म की वैल्यू दे रखी है कि नहीं, डेल्टा जी नॉट कैसा आ रहा है, वहां दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। अब देखो इस टर्म की वैल्यू दे रखी है 2.303 * 8.314 * 298 5705। तो इन सारी चीजों को हटा के हम यहां लिख सकते हैं 5705, यहां भी है, यहां भी है, समझ गए 5705 10 टाइम्स, तो log बेस 10 के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 10 एंड दैट इज द आंसर। यही तो पूछा है, log बेस 10 के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10। यहां कई बच्चों ने उस ईयर गलती क्या की थी कि के इक्विलिब्रियम निकाल दिया था, यहां से के इक्विलिब्रियम निकालोगे कितना आ जाएगा 10 उधर चला जाएगा, 10 टू द पावर 10 चला जाएगा इस तरह से, और वो ढूंढ रहे उनको ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, वो कह रहे यार ये कैसे है, क्लियर है। लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पूछी थी, क्लियर है, ध्यान दिया जाए क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोई दिक्कत इसमें। डेल्टा जी नॉट वहां से निकाला, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -2.303 आरटी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। चलिए अभी रिसेंटली इसका एक सवाल आया है 2015 में, इन दोनों कंसेप्ट को मिला के कहानी पूछी है, साथ में ये और ये पूछा था, 7 में ये और ये, 15 में इसको और इसको मिला के पूछा है। देखो 15 का क्वेश्चन क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, ट्राई करो। 15 का क्वेश्चन है जी 2015 मेंस का सवाल था ये, तो मेंस में हमसे क्या पूछ रहा है जी 2015 में कि 2 moles ऑफ NO गैसियस प्लस ऑक्सीजन गैसियस गिव्स 2 moles ऑफ NO2 गैसियस। इस रिएक्शन के लिए हमसे बोल रहा है डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इन द गैसियस फॉर्म इज 86.6 किलो जूल पर मोल, ये हमको दे रखा है एट 298 केल्विन, डेफिनेटली डेल्टा जी नॉट 298 केल्विन पे होगा। पूछा है क्वेश्चन में हमसे फाइंड डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO2 गैस स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 गैस, ये क्वेश्चन है और हमको 4 ऑप्शन जो दिए हैं वो देखो, एक और इंफॉर्मेशन दी है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.6 × 10^12। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको बताया है 1.6 × 10^12 और ये हमसे पूछ रहा है, 4 ऑप्शन हमको दिए हैं R × 298 log base E 1.6 × 10^12 -86600 ऑप्शन बी 86600 प्लस R 298 log base E 1.6 × 10^12 और है ऑप्शन सी 86600 माइनस लॉग बेस ई 1.6 × 10^12 डिवाइडेड बाय R × 298 ऑप्शन डी
बड़े लंबे लंबे ऑप्शन थे, 0.5 इंटू 2 इंटू 86600 माइनस आर इंटू 298 लॉग बेस ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 12, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज। हाँ भाई, तो इसको कैसे करना है, बहुत सिंपल है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आरटी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम, ये लगा दो, इससे डेल्टा जी नॉट मिल जाएगा। इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट्स का डेल्टा जी नॉट माइनस रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट्स का गायब कर रखा है, रिएक्टेंट का दिया है, ऑक्सीजन का तो जीरो होगा, है ना, ऑक्सीजन का डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑक्सीजन का जीरो होगा, पूरे रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट यहां से निकाल लो, ये तो तुमको दे रखा है। अच्छा, एक चीज और है, सब में लॉग बेस ई है, लॉग बेस ई है, आपने लॉग बेस 10 रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बेस ई के लिए डेल्टा जी नॉट इसको हटा दो, 2.3 को आर टी लॉग बेस ई के इक्विलिब्रियम, सिंपल, ठीक है। 2.303 वाला टर्म तभी आएगा जब लॉग बेस 10 लगाना होगा, बेस ई के टर्म्स में आंसर है, तो 2.303 को हटा दिया, माइनस आर टी लॉग बेस ई के इक्विलिब्रियम, बेस 10 में होता 2.303 लगा देते, बता रखा है मैंने। तो करने को मैं तरीका क्या बता रहा हूँ, बट ट्राई करो, मैं कह रहा हूँ रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट निकालो यहाँ से, फिर रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स का माइनस रिएक्टेंट का, और उससे एक्सप्रेशन निकल आएगा, ट्राई करिए। सीधी सपाट जिंदगी बहा गई, थर्मोडायनेमिक्स की कहानी से जिंदगी सवाल हो गई। देखें, इधर आए कोपचे में मेरे साथ, और देखें इस सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। मैं एक काम कह रहा हूं, मैं कहता हूं ऐसा करते हैं, डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉग बेस ई के इक्विलिब्रियम, 2.303 हटा दिया तो लॉग बेस ई आ गया, सो ये हो जाएगा माइनस आर, टेम्परेचर कितना लेंगे 298 ही लेंगे, लॉग बेस ई के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बोलो 1.6 इंटू 10 की पावर 12 दे रखा है, 1.6 इंटू 10 पावर 12, ये हो गया डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन। यस सर, अब डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन यहां से बताओ क्या होगा, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, और इसका तो कितना होगा जीरो, ये तो गए स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट कितना है 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, लिखूं मैं पूरा क्या सजा के, छे छका चुका रे, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO2 माइनस रिएक्टेंट का 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज इक्वल टू, जो ये वैल्यू है गंदी सी, माइनस आर इंटू 298 इंटू लॉग बेस ई इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है। अरे यार कितना लंबा बार लिखोगे, NO का दे रखा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक काम करें विंगरे विंगरे विंग, इसको इधर ले चलें, सो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज इक्वल टू कितने लगे, तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO माइनस आर इंटू 298 इंटू लॉग बेस ई इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 12, ठीक है। फिर से अब डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 जो निकालना है इज इक्वल टू ये पूरा एक्सप्रेशन 2 से डिवाइड, यानी 1/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ, अरे यार ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO 2 इंटू 86.6 माइनस R इंटू 298 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 12, सामने क्या लगा है लॉग, खिचड़ी पक गई सर, ये तो यार दिख रहा है कौन सा ऑप्शन है, डी वाला 0.5, हाफ को क्या लिख लोगे 0.5 2 इंटू 86600, ये क्यों किया, ये किसमें था देखो किलो जूल, इसको हजार से मल्टीप्लाई करोगे, हजार से करोगे तो 86600, हाफ की जगह लिख सकते हैं क्या बोलो 0.5 माइनस आर इंटू 298 लॉग बेस ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 12, समझ में आ गया। सो ये कहानी थी पूरी गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और उसका रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, क्लियर हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।